गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मैंने तो अभी जस्ट मेरा योगा सेशन कंप्लीट किया है। रोज़ नया नया योगा करती रहती हूँ तो कुछ ना कुछ होता रहता है। यानी फिक्स एक तो है ही, उसके साथ साथ दूसरा दूसरा रोज़ रोज़ कुछ ना कुछ ट्राई करती रहती हूँ। आज एक्सरसाइज भी की है, योगा भी किया है। कल सिर्फ योगा ही किया था और दो दिन पहले तो मेरी तबीयत ख़राब थी, इसलिए दो दिन का योगा स्टॉप हो गया था, पर आज से प्रॉपर स्टार्ट कर दिया है। और चिकू गए हैं अभी फ्रेशन अप होने के लिए और मैं भी अब फ्रेशन अप हो जाती हूँ और बाकी के जो भी काम है वो सारे कंप्लीट करके फिर चलती हूँ मैं शॉप पर। पर इससे पहले लंच क्लियर करेंगे और बाकी का जो भी छुट मुट काम है हमारा वो कर देंगे। दे ताली गाने के साथ आज हम तैयार हुए दोनों जने। क्या मज़ा आया, फुल एनर्जेटिक गाने पे सुनते सुनते तैयार होना, नाचते नाचते तैयार हुए। ऐसा चिकू को दिखा नहीं सकते, बहुत शर्माते इसलिए, बाकी चिकू जोरदार डांस करते। अगर ये डांस अगर डाला तो लिया ही नहीं, अगर डाल दे रहा तो मेरा आई एम कम्प्लीटली रेडी। और किचन के लिए भी मैं कम्प्लीट रेडी हो चुकी हूँ। जैसे कि मैंने आज किचन में खाने में बनाया है कड़ी, ये चावल तो इधर भिगाने के लिए रखे हैं और अभी आटा मैं गूंदूंगी। तो कड़ी हमारी ऑलमोस्ट कम्प्लीटली रेडी हो चुकी है, बस इसके अंदर धनिया पत्ता डालना है और थोड़ा सा उबाल आ जाए फिर मैं नमक डालूंगी। क्योंकि मेरे हाथ से क्या होता है ना कि मैं लास्ट में लेके अगर जल्दी नमक डाल देती हूँ तो मेरे हाथ से कड़ी फट जाती है, तो वो कड़ी फटी हुई अच्छी नहीं लगती है ना, ऐसे मैं नमक बाद में डालती हूँ। सोडियम, अभी थोड़ी सी कड़ी बॉयल हो जाए फिर डालती हूँ। थोड़ी सी मोटी बन गई है कड़ी, तो प्लेन कड़ी बनाई है, थोड़ी मोटी अच्छी लगेगी। और अब हम आटा लगा देते हैं, आटा थोड़ा सा जब तक रेस्ट करेगा तब तक हम चावल रख देंगे, तो हमारा खाना कंप्लीट हो जाएगा। और अभी टाइम हो रहा है 11:10 हो रही है और मेरा आधा खाना बन चुका है। लंच इज़ द रेडी, अब इसको डाइनिंग पे जमा देती हूँ। डाइनिंग तो खाली है, खाना आ गया है। और अब हम मैं चिकू को कॉल कर देती हूँ, हम दोनों लंच कर लेते हैं एक बार, क्योंकि मुझे जाना है शॉप पे। अभी हो रही है 11:42, कंप्लीट खाना रेडी है और 12 बजे तक मैं शॉप पे। चिकू का खाना आना हुआ कैंसिल, क्योंकि चिकू को है नवपंचाल ज्वेलर्स पे काम, तो इतने में मैं ही कर लेती हूँ लंच। आज मैंने स्टील की थाली में लिया है खाना। खाना हो चुका है, अब थोड़े से बाल सही कर लूँ क्योंकि काम करते करते पूरी हालत बेहाल हो गई है। फटाक से बाल बना के फिर चलते हैं शॉप पे। जनक पंचाल आए हैं दुकान पे, हैरी पॉटर, चलो मिलते हैं उनसे। शॉप पर मैं आ गई हूँ, मैं नवपंचाल ज्वेलर्स गई थी जनक को मिलने के लिए, पर वहाँ पे सब जने थे इसलिए मैंने कैमरा चालू नहीं किया, क्योंकि थोड़ा सा कभी ऑकवर्ड हो जाता है इसलिए। तो अभी मैं जाती हूँ अंदर एक बार, आगे तो अटेंडेंस दे दिए पीछे भी दे दूँ, मैं आ गई हूँ भी। फ्रेंड्स, मैं अभी कुछ टाइम से यश की शादी के बाद तो मेरे बालों का ध्यान बिल्कुल रख ही नहीं पा रही हूँ, तो बाल बिल्कुल रफ़ हो चुके हैं। इन बालों के लिए मैं कुछ अच्छा सा लॉरियल में ट्रीटमेंट ढूँढती हूँ और थोड़े बाल स्मूथ हो जाएं। और मैं तो सोचूं कैरेटीन कर लूं, क्योंकि कैरेटीन मैं इतने टाइम तक मेरे सैलून में लाई नहीं थी, पर अब मैं कैरेटीन लाने का सोच रही हूं। तो मैं अच्छे से अच्छे ब्रांड देख रही हूं कि कौन से ब्रांड अच्छी है, क्योंकि मैं हर किसी ब्रांड पे एकदम ट्रस्ट भी नहीं कर लेती और हर किसी ब्रांड को एकदम से रिकमेंड भी नहीं करती, क्योंकि मेरे को जिस ब्रांड पर कम्प्लीटली बिलीव है उसी को मैं रिकमेंड करती हूँ और उसी पर मैं सैलून में भी काम करती हूँ। क्योंकि मेरा मानना ये है कि हर किसी ब्रांड के साथ काम करना अच्छी बात नहीं है, जो ब्रांड अच्छी हो उसके साथ ही काम करना चाहिए, क्योंकि कस्टमर मुझ पर ट्रस्ट करके मेरे पास आते हैं कि मुझे कुछ अच्छा सा कर दो। अब उसमें मैं हर कुछ नहीं कर सकती, जो मैं मेरे ऊपर अप्लाई कर सकती हूँ वही चीज़ें मैं कस्टमर पर भी अप्लाई करती हूँ, क्योंकि जो चीज़ मैं पसंद नहीं करती मैं किसी और के ऊपर कैसे अप्लाई कर सकती हूँ, मेरा सोचना ये रहता है। तो मैं अभी मेरे हेयर्स के लिए कुछ अच्छा ट्रीटमेंट देख रही हूँ। कैरेटीन के लिए मैंने कुछ मिथ्स सुने थे, वो मिथ्स एक्चुअली क्या, उससे मुझे भी थोड़ा डर लग रहा था। एक तो क्या, मेरे सैलून में वेंटिलेशन की कमी है, तो वेंटिलेशन क्या, जो हवा एकदम से, क्योंकि पैक है बहुत, अंदर की तरफ भी है और सिर्फ बाहर हवा जाने का सिर्फ एक तो एसी तो है ही और साथ ही साथ एग्जॉस्ट भी है। कैरेटीन अगर करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा फ्लेम निकलती है तो थोड़ी घुटन की भी प्रॉब्लम हो सकती है, दूसरे कस्टमर भी इरिटेट हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें रहती है। एक जने का ही काम हो रहा होगा वो तो पॉसिबल नहीं है, 2 से 3 जने भी हो सकते हैं, तो इसलिए थोड़ा बहुत मुझे सोचना पड़ रहा है इसी चीज़ के लिए। और एक बार मैं खुद पर्सनली ट्राई करूँगी, फिर मेरे कस्टमर्स के ऊपर मैं ट्राई करने का सोचूँगी।
जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा फ्रिजी हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा ड्राई हो चुके हैं। इन बालों को रिकवर करने के लिए हम क्या करेंगे? इतने टाइम तो पहले मैंने अभी ना स्पा लिया है, ना बालों का कोई भी ट्रीटमेंट लिया है। अभी मैं लेने वाली हूँ बालों का लॉरियल का सीरीज एक्सपर्ट का पावर मिक्स ट्रीटमेंट, जो कि मेरे बालों के लिए ये कंप्लीट पैकेज रहेगा, एब्सोल्यूट रिपेयर, क्योंकि मेरे बालों में भी ब्रेकेजेस भी आ गए हैं, ड्राइनेस भी आ गई है। ये बालों में से ड्राइनेस को, ब्रेकेजेस को सबको हटाएगा। और ये इसका बेस है, ये पावरमिक्स ट्रीटमेंट है। एक रोशनी आती है उनके साथ ये पूरा ट्रीटमेंट करवाएंगे और मैं आपको एक एक प्रोसेस बताऊंगी, आपको भी काफ़ी हेल्प होगा। और अगर आपके भी बाल इतने फ्रिजी हैं या फिर इतने ज़्यादा डैमेज हो चुके हैं तो आप ये वाला ट्रीटमेंट आगे सलून पर करवा सकते हो। और अगर इस ट्रीटमेंट के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो मेरे जो रोमा मेकअप स्टूडियो का नंबर है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप उसके ऊपर कॉल करके भी पता कर सकती हो कि ये ट्रीटमेंट क्या रेंज में हो जाएगा। और फिर इसी के ऊपर हमारा मास्क अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ड्राइनेस बहुत ज़्यादा है, डैमेज भी हो चुके हैं हेयर, इसलिए मास्क की भी ज़रूरत है। और शैम्पू भी मैं निकाल देती हूँ इसका, एब्सोल्यूट रिपेयर का ये अभी चेंज हो गया पैकिंग, ये मैं घर पे लेके जाने वाली हूँ। और इसका ये है सीरम, तो ये पूरा लेके जाने वाली हूँ और मेरे बाल बहुत जल्दी रिकवर हो जाने वाले हैं, क्योंकि मैं बहुत टाइम से मैंने मेरा शैम्पू चेंज नहीं किया है, तो अभी मैं मेरा शैम्पू भी चेंज कर रही हूँ और ये मेरे बालों में ड्राइनेस ख़त्म होते हुए आप खुद भी देखोगे इसका, यानी बहुत अच्छा रिज़ल्ट है, बहुत जल्दी से जल्दी रिज़ल्ट आता है इसका। तो जैसे ही रोशनी आती है वैसे हम हमारे बालों में ये जो पावरमिक्स ट्रीटमेंट है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो अभी रोशनी आ चुके हैं, तो अभी हम जाएंगे पीछे शैम्पू चेयर पर, सबसे पहले बालों को वॉश करेंगे। शैम्पू मैंने आपको दिखा दिया है कौन से शैम्पू से हमारे बाल वॉश हो रहे हैं। तो बाल अच्छे से वॉश हो चुके हैं शैम्पू से, हेयर वॉश हो चुके हैं। मैं आ चुकी हूँ कटिंग चेयर पर और अब यहाँ पर मैं बना रही हूँ पावर मिक्स ट्रीटमेंट। ये अच्छे से क्रीम फॉर्म में बदल चुका है और अब मैं पूरे बालों को अच्छे से डी टैंगल कर दूँगी और फिर मैं मेरे बालों में इसको अच्छे से इमल्सीफाई करूँगी। ये बालों में पीछे से पार्टीशन होगा। अब ये स्पैचुला है वो अच्छे से अंदर झटक दो और एक एक बालों में ऐसे ऐसे लेके ऊपर थोड़ा थोड़ा लगा के फिर अच्छे से ऐसे ऐसे उंगलियों से इमल्सीफाई करो। सीरीज एक्सपर्ट का जो पावर मिक्स ट्रीटमेंट है वो हो रहा है, फिर इसके ऊपर ही मास्क लगेगा, तो ये ऑल ओवर पूरे बालों में एक बार अप्लाई हो जाए फिर मास्क लगाएंगे। पूरे बालों में सीरीज एक्सपर्ट का पावर मिक्स लग चुका है, अब लगेगा मास्क। ये भी सेम प्रोसेस में पूरे बालों में लगेगा। बाल अभी अच्छे मस्त सिल्की सिल्की लग रहे हैं। पूरे बालों में मास्क लग चुका है, अब ये मास्क सिर्फ 10 मिनट तक हमको रहने देना है, फिर इनको हम अच्छे से वॉश कर देंगे, रिंस कर देंगे, शैम्पू से वॉश नहीं करेंगे। तो इसका बाद का रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आने वाला है, तो जस्ट वेट एंड वॉच। और 10 मिनट के बाद मिलते हैं शैम्पू चेयर पर जाके। मिनट हो चुके हैं और अब बाल हो जाएंगे वॉश, और बाल वॉश होते ही मैं चिकू को कॉल करूंगी, क्योंकि आज जाना है हमको कल्याणपुर, आज विक्कू के यहाँ पे यश के वन हो रहा है। बाल बाल सुखा देती हूँ, बाल में ट्रीटमेंट कराया इसलिए। आप देख सकते हो बाल अच्छे से मैंने ड्राई कर दिए हैं और बालों में से ड्राइनेस बहुत हद तक चली जा चुकी है। और अभी मेरे बाल मुझे इतने ज़्यादा सॉफ्ट, स्मूथ एंड ऑलमोस्ट स्ट्रेट भी लग रहे हैं, क्योंकि स्ट्रेट ड्राई किया है और मैंने एकदम कोल्ड ब्लो ड्राई से मैंने ड्राई किया है, ताकि बाल हैं वो थोड़े भी डैमेज ना हो। और अभी बाल बहुत अच्छे हो गए, अब चलते हैं अपन कल्याणपुर, क्योंकि चिकू भी अपन को लेने के लिए आ गए। मैं तो चला मेरे ससुराल।
यहाँ पर आप पीछे हमारे घर का बैकग्राउंड देख सकते हो, कुछ अलग हो गया है। यहाँ पर स्टील की रेलिंग लग गई है और ऊपर भी शीट लगवा दी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप आती थी और कपड़े धोने वाले भाई जी को भी प्रॉब्लम होती थी और वो उधर साइड पूरा ख़राब होता था, वो घिड़कियाँ विड़कियाँ सब ख़राब हो गई थी। पहली बार शूज साफ कर रहे हो? हमेशा मैं साफ ही रखती हूँ। गंदे हो गए क्या आपकी? सब मुझे षड्यंत्र पता है आपका। तो फ्रेंड्स सारा हमने कैरी कर लिया है क्योंकि रात वहीं पर रुकने का प्रोग्राम है, तो एडिटिंग का सारा स्टफ ले लिया है मैंने। ये हमारा लैपटॉप, ये हमारे ईयरफोन्स नहीं हेडफोन्स, इसमें हमारा माउस और चिकू के मेकअप का सामान नहीं लैपटॉप यानी पूरी वीडियो के मेकअप का सामान है समझ लो। अब चलते हैं हम हमारी जेटा में। तो पीछे अपन क्या रखेंगे, डिक्की क्यों खोलिए? डिक्की में ये सब सामान रख देंगे। लैपटॉप तो आगे हाँ। तो मैं लैपटॉप लेके आगे बैठ गई हूँ, सारा स्टफ हमने रख दिया है डिक्की में और अब चलेंगे सीधा कल्याणपुर और एक बार तो पापा के घर फिर जाएंगे, विक्कू के घर। मम्मी कह रहे जी 8 बजे पहले ले आए गए हो यानी क्या इतनी देर हो रही? एक घंटा और कैसे ये विक्को, इसके घर बन हो रहा है आज क्या? हमारा चमन का तो मैं अंदर चलो पापा का तब वो दुकान पे बैठ नहीं रहे अभी जैसे। अच्छा कैसे हो? ये हमारी भाभी, ये हमारा भाई, चिल्ड वाटर, ये देखो पापा के क्या कर रहे? अच्छा सामान नहीं। यहाँ पे आज मेरे भाई साहब थोड़े से दुखी हैं। क्यों दुखी हो बताओ? अरे ये फ्री शुगर ये क्या है माँ? मम्मी तो विक्कू के वहाँ पे चली गई है, हम मैं भाभी परिधि हम लोग तो नहीं गए हैं। अभी जा रही है भाभी ऊपर चेंज करने के लिए क्योंकि नए दूल्हा दुल्हन हैं, उस हिसाब से नई दुल्हन अभी चेंज करने के लिए ऊपर जा रही है। यश और इसके जीजू सब जने तो मैच खेलने के लिए गए क्रिकेट, अभी हम जा रहे ऊपर भाभी के रूम में, तो भाभी रेडी हो गई है। ठीक है बेटी, भाभी आप यश का कुछ भी काम मत करो। कई काम नहीं है, मोस्ट काम काल अर्जुन जी है, एक साल तक कब काम बन। चले अपन तो भाभी तैयार, यश तो हो रहा है तैयार, अभी खेल के आए हैं जस्ट, तो हम तो गाड़ी में जा रहे हैं अभी, तो अब चिकू कार में हमको डायरेक्ट विक्कू के वहीं रख देंगे। तू असल सही कपड़ा नहीं यार, चड्डा वड्डा पहनना पड़े ऐसे खिला नहीं जाता, वो फायदा मिल जाएगा। इसका मतलब क्या? आप बोलते हो, क्या मैं नहीं बोलती हूँ, जिया जी बोलते हैं। आपने नहीं बोला था कल रात को? चालू नहीं था वो लेडीज पर्स लटका के खड़ा था। ओके बाय बाय। विक्कू तो यही है, विक्कू के घर हम जा रहे हैं। जय जी अभी रहे ये यहाँ पे ओम फोर चार में तीन जने बैठे हैं, फोर आना बाकी है। मैं कह रहा हूँ बॉडी मसाज, मैं हाथ पैर दुख रहे हैं। क्यों? अच्छा तुम्हें खेले तो क्रिकेट खेले? क्या खेले? वॉलीबॉल खेलते। मैंने और भाभी ने और मम्मी ने हम सब जनों के ने तो हमारा खाना कर लिया है। यश और ये लोग क्या कर रहे हैं, चलो जाकर देखते हैं। खाना हो चुका है और अभी हम जा रहे हैं हमारे घर पे, तो विक्कू भी अभी आएगा, 10 मिनट पहुँच गए घर पे। हाँ जल्दी से आ जा, ये आया मैं, दोनों जने आ जाओ, तू भी आ जा, दिख रहा है तू? ओके दिख रहा है, दिख रहा है, आ रहे बिस्मिल्लाह, आ जा। हम आ गए हैं विक्कू भैया के घर, कोरोना करके इस औरत को देख सकते हो। तो यश और इन सब की तो पाड़ा मस्ती यहाँ पे हो गई है कंप्लीट। सो फाइनली गाइस, हम दोनों कंटेंट क्रिएटर हैं, तो हम दोनों ने सोचा कि आज के व्लॉग रोमादी शूट करेंगे और नेक्स्ट टाइम जब भी रोमादी आएंगे तब मैं व्लॉग करूँगा और रोमादी आराम से रेस्ट करेंगे।
तो ये सोच और समझ के हमने ये डिसीजन लिया है। मेरे को तेरी बात बिल्कुल समझ नहीं है। तो जैसे कि व्लॉग स्टार्ट रोमा जी ने किया था, तो व्लॉग को एंड करेंगे हम। तो आज के व्लॉग को करेंगे यही समाप्त। आशा करते हैं आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर नया आया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और जैसे कि आप सबको बताइए, मैं आपका अपना यश पंचाल व्लॉग्स, और ये है रोमा निम्पेश। इंस्टाग्राम पे छोटा सा हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है, वहाँ जाके फॉलो कर दीजिएगा। और शॉप करो नामक भी एक चीज़ है हमारे, जिसको आप जाके फॉलो कर दे। और फेसबुक पे, यूट्यूब पे भी पेज है, चैनल है हमारा, उसको फॉलो कर दीजिए। और उसको फॉलो थोड़ी ना, उसको कर दीजिए सब्सक्राइब, और इंस्टाग्राम पे कर दीजिए सीधा फॉलो। तो थैंक यू सो मच, आपसे मिलेंगे किसी अच्छे से व्लॉग में। ओके बाय, अभी के लिए अलविदा, मिलते हैं आपसे किसी अच्छे से व्लॉग में। तो यश ने तो आपको बाय बोल ही दिया है, मैं भी कर देती हूँ। अगर आज का व्लॉग अच्छा लग गया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना, और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, मिलते हैं कल के अच्छे से व्लॉग में। ओके बाय।